सीधे लिए चलते हैं आपको हम बीएसपी कार्यालय जहां मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ कहना है उनका, सीधे देखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता व गठबंधन आदि नहीं किया है और इस मामले में मैं खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में ये खबरें काफी जोरों से प्रचारित की जा रही हैं कि देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का चुनावी गठबंधन हो गया है या होने वाला है, जो पूर्णतः अभी तथ्यों से परे है, सही नहीं है, गलत है। लेकिन फिर भी इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का तथा अन्य किसी और पार्टी के साथ भी जब भी यहाँ लोकसभा आम चुनाव में कोई चुनावी गठबंधन होगा तो तब फिर वह गुपचुप तरीके से नहीं होगा बल्कि पूरे तौर से खुलकर ही होगा। और जब भी किसी भी पार्टी के साथ कोई चुनावी गठबंधन होगा तो उसके बारे में सबसे पहले या मीडिया को ही अवगत कराया जाएगा, क्योंकि मीडिया ही उल्टी सीधी खबरें छापता रहता है, इसको सबसे पहले अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा जहां तक उत्तर प्रदेश में इस समय गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी के लोगों को वोट देने का सवाल है, तो इस संबंध में सबसे पहले मीडिया को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस उपचुनाव में भी इन दोनों लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतारे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी के लोग यहाँ अपना वोट डालने नहीं जाएंगे, अर्थात उन्हें भारतीय संविधान के तहत जो वोट डालने का अधिकार मिला है तो उसका वे जरूर इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, जिसके तहत ही हमारी पार्टी के लोग मेरे पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही चलकर अब इन दोनों सीटों पर खासकर बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियों में से जो मजबूत उम्मीदवार हैं तो उन्हें ही अपना वोट देने वाले हैं। ऐसी मुझे पार्टी के ऐसा मैंने पार्टी के लोगों को पहले भी ये दिशा निर्देश दिए हैं और इस चुनाव में भी कि बीजेपी के कैंडिडेट को जिस भी पार्टी का उम्मीदवार उनको हराता हुआ नजर आए, भारी नजर आए, तो उसको आप अपना वोट दे दो ताकि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव हार जाए, तो उसमें गलत क्या है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हाल ही में राज्यसभा वे विधान परिषद के होने वाले चुनाव में भी खास सूत्रों से मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के अतिरिक्त खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को भी हराने के लिए यदि सपा व बसपा के विधायकों द्वारा एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है। और इस संबंध में यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी के इतने विधायक नहीं हैं कि हम अकेले अपने बलबूते पर तो अपना राज्यसभा में एक सदस्य चुनकर भेज दें। ये जो अब चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, और ना ही समाजवादी पार्टी के पास इतने विधायक हैं कि वो दो राज्यसभा के सदस्य चुनकर भेज दें, एक भेज देंगे दूसरा नहीं भेज पाएंगे, उनको और सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारी पार्टी के लोगों ने सपा के लोगों के साथ बातचीत करके ये डिसीजन लिया है कि हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राज्यसभा में जाएगा और जो हमारे वोट होंगे तो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाएंगे, हमारा राज्यसभा में जाएगा और उनका दूसरा जो कैंडिडेट होगा एक तो उनका आसानी से बन जाएगा राज्यसभा में भी विधान परिषद में भी, लेकिन दूसरे को बनाने के लिए उनको वोट चाहिए तो हम उनका एमएलसी बना देंगे, वो अपना वोट हमें ट्रांसफर करके हमारे को हमारे राज्यसभा वाले कैंडिडेट को दे देंगे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के साथ विधायकों का सवाल है, ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ।
तो जहां तक उनको वोट देने का सवाल है, यदि उनको मध्य प्रदेश में हमारे वोट चाहिए, हमारे वहां कई विधायक हैं और हमारे विधायकों के बिना, समर्थन के बिना मध्य प्रदेश में उनका राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, न पहले बना था। हमारी पार्टी ने वहां उनको समर्थन दिया, सहयोग दिया, तो उनका मेंबर आसानी से राज्यसभा में चुनकर चला गया। तो यदि कांग्रेस पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में उनका राज्यसभा का एक आदमी कांग्रेस पार्टी का आसानी से चुनकर चला जाए, तो उनको भी, तो जब ये चुनाव होगा तो कांग्रेस के जो विधायक है साथ, तो उनको भी हमारे जो पोलिंग एजेंट होंगे उनको दिखाकर अपना वोट देना होगा। जब वो दे देंगे बीएसपी के कैंडिडेट को, राज्यसभा के कैंडिडेट को, तो फिर मध्य प्रदेश में भी हमारी पार्टी उनको खुला अपना वोट दिखाकर कांग्रेस के उम्मीदवार को उधर देगी। तो कहने का मतलब यह, इस हाथ दो और उस हाथ लो। लेकिन मैं जो आपको बता रही थी कि यदि सपा, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सपा व बसपा के विधायकों द्वारा एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये जो एमएलसी और राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में किसके, बीजेपी जो अतिरिक्त कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है जबकि उनको जरूरत है नहीं, लेकिन जबरदस्ती करना चाहती है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने एक बिजनेसमैन को खड़ा कर दिया, वो बुरी तरीके से हार के, यही हाल अब होने वाला है इनका। लेकिन फिर भी ये लोग यदि खड़ा करते हैं और उसको हराने के लिए यदि सपा बसपा के विधायकों द्वारा एक दूसरे को, और कांग्रेस के भी विधायकों द्वारा, जहां तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में यदि उनको हमारा वोट चाहिए, इनके द्वारा एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है। लेकिन फिर भी इन सबकी आड़ में सपा व बसपा के गठबंधन होने की बातें मीडिया में जबरदस्ती की फैलाई जा रही है, जबकि इसके पूर्व में इसी प्रकार के अफवाहें कांग्रेस पार्टी को भी लेकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी फैलाई गई थी और अभी भी फैलाई जा रही है। ये कतई भी सही व उचित नहीं है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश में जब भी लोकसभा के आम चुनाव होंगे तो तभी फिर इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई नहीं है, अभी कोई चुनाव थोड़ी ना डिक्लेयर हुए, जब होंगे तो तब कोई डिसीजन लिया जाएगा कि हमें किस पार्टी के साथ अलायंस करना है या किसके साथ नहीं करना है, तो ये उस समय देखा जाएगा। फिलहाल अभी इस मामले में, अर्थात गठबंधन करने के मामले में, कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए विरोधी पार्टियों में से खासकर भगवा एंड कंपनी के लोगों को, ये जो भगवा, ये जो कपड़े पहनते हैं ना, एंड कंपनी के लोगों को, वह मीडिया आदि को भी इन चुनावों को लेकर बिना वजह बीएसपी के साथ गठबंधन करने के मामले में हवा हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर इस किस्म की गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों की फिर अंत में फजीहती होती है। इस उम्मीद के साथ ये अब मैं विरोधी पार्टियों को ये जो अफवाहें फैला रहे हैं और खासतौर से जो शरारती तत्व हैं, ये जो अफवाहें फैला रहे हैं और मीडिया का सहारा लेके फैला रहे, मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। और वो अच्छे प्रकार से जानते हैं कि बीएसपी का स्टैंड क्या होता है, और अभी कोई इलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है लोकसभा आम चुनाव का, जब होगा तो तब हम कोई डिसीजन लेंगे और उस समय हम देखेंगे कि हम जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो गठबंधन करते समय ये देखेंगे कि हमारी पार्टी को लोकसभा के आम चुनाव में, जिस भी स्टेट में करेंगे, जिस भी पार्टी के साथ करेंगे, तो ये हम देखेंगे कि हमारी पार्टी को गठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो अभी तो कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है, जब इलेक्शन नजदीक होगा लोकसभा आम चुनाव का, तब कोई हम डिसीजन लेंगे। इस किस्म की जो अफवाहें फैलाई जा रही है तो वो ठीक नहीं है। धन्यवाद।